दुश्मन का पसीना निकालने वाले फाइटर जेट से मिलिए। ब्रह्मोस की ताकत से लैस हवा में दम भरता यह है सुखोई MKI फाइटर जेट। ये दुश्मन को बर्बाद कर देने वाला फाइटर जेट है। ये वीर अपने एक और मिशन में कामयाब हुआ है। राजस्थान के जोधपुर में सुखोई MKI को फिर परखा गया, जहां वायुसेना और थल सेना एक साथ युद्ध अभ्यास कर रही है। रूसी ओरिजिन की ये ट्विन सीटर फाइटर जेट 1X30 MM GSH गन से लैस है। इसके अलावा ये फाइटर जेट 8000 किलो वजन तक के युद्ध सामग्री के साथ उड़ान भर सकता है। इस फाइटर जेट में सेमी एक्टिव रडार वाली मीडियम रेंज के एयर टू एयर मिसाइल्स और क्लोज रेंज मिसाइल्स के साथ उड़ान भरने की क्षमता है। इसकी अधिकतम स्पीड 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की है। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स में भी ब्रह्मोस मिसाइल तैनात है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। भारतीय वायुसेना के 44 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें तैनात की गई हैं। ये मिसाइलें दुश्मन के कैंप को पूरी तरह तबाह कर सकती हैं। ओवर रेस्ट ऑफ द फाइटर्स ऑफ द वर्ल्ड विद द लेटेस्ट लॉन्ग रेंज वेक्टर्स व्हिच हैव बीन इंटीग्रेटेड इनटू दिस एयरक्राफ्ट। लंबी दूरी से हमला करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 500 किलोमीटर से दूर रहकर भी अपने दुश्मन को धूल चटा सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सुखोई 30 MKI के लिए अगली पीढ़ी की मिसाइलों के अधिग्रहण को भी मंजूरी दे दी है, जो उन्हें 100 किलोमीटर से अधिक दूरी से दुश्मन के रडार पर हमला करने में सक्षम बनाएगी। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने सुखोई 30 MKI को इतना लंबी दूरी की हमला करने की क्षमता से लैस किया है और लगातार इसमें लेटेस्ट हथियार जोड़कर इसे और आधुनिक बनाने में लगा है। पिछले 2 सालों में सुखोई बेड़े में बहुत सारे नए उपकरण भी शामिल किए गए, जिनमें स्पाइस 2000 सीरीज के सटीक हथियार शामिल हैं। स्पाइस 2000 सीरीज को प्रभावी स्टैंड ऑफ हथियार में से एक माना जाता है, जो फिलहाल के लिए सुखोई MKI को और भी ज्यादा सशक्त बनाने वाला प्रतीत हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।